अंधों को जब भी रेवड़ी बांटने की जिम्मेदारी दी जाती है तो वो बार बार अपनों को ही जाकर देते हैं। अपने देश में ज़्यादातर सरकारी योजनाओं का कुछ ऐसा ही हाल है। चुनाव जीतने के बाद नेता अपने चेले चमटों पर एहसान करते दिखते हैं और बाकी लोग खुद को ठगा महसूस करते हैं। हल्दोई में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ एक असहाय विधवा को घर दिलाने के मकसद से ग्रामीण धरने पर बैठ गए, लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्हें समझाने गए एसडीएम उनके जख्मों पर मरहम लगाने की जगह बुजुर्ग महिला को धमकाने लगे। बिलग्राम एसडीएम के बिगड़े बोल, धरने पर बैठी बुजुर्ग महिला और गांव वालों को दी धमकी, कहा वोट किसी और को दोगी, आवास इनसे लोगी। एसडीएम के धमकाने का वीडियो हुआ वायरल। हरदोई के माधोगंज थाने के कुरसठ नगर पंचायत की रहने वाली बुजुर्ग लालती देवी भूमिहीन और असहाय हैं। वो एक टूटे फूटे कच्चे मकान में रहती हैं। इन दिनों हो रही भारी बारिश के चलते वो इधर उधर रहने को मजबूर है। घर नहीं रहने के चलते उन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अफसोस है कि आज तक उसे सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल पाया। मौजूदा चेयरमैन से भी गुहार लगाई गई, लेकिन उसने भी मना कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों के साथ ये बुजुर्ग महिला नगर पंचायत कुरसठ में धरने पर बैठ गई। ग्रामीणों ने बुजुर्ग महिला का दर्द समझा, इसलिए हक की लड़ाई में उसका साथ दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब देर रात एसडीएम बिलग्राम इन लोगों को समझाने गए तो उनके जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय उल्टे धमकाते नजर आए। साफ कहा कि वोट किसी और को दोगी और आवास इनसे लोगी। वोट उनको दोगे और बाद में किस तरह से मारोगे? काहे को वोट दिए थे उनको बताओ? कौन है वार्ड मेंबर तुम्हारा? वोट दिए थे उनको? कहाँ है वो? वोट उनको देते हो और दोष इन पे लगाते हो। वोट दारू पी के दे दिए होंगे। जो दारू पिलाएगा मुर्गा खिलाएगा तोड़ देंगे। तो तुम दिए थे, उससे पूछ के वोट दिए थे। वहां मौजूद एक मीडिया कर्मी ने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। इस बीच माधोगंज के थाना अध्यक्ष की नजर वीडियो बना रहे मीडिया कर्मी पर पड़ गई। उससे मोबाइल छीनने की कोशिश हुई और मोबाइल बंद करवा दिया। बता दें कि बुजुर्ग महिला और साथ बैठे बहुत से ग्रामीण चेयरमैन पद के हारे हुए उम्मीदवार के समर्थक हैं। हालांकि मौजूदा चेयरमैन बीजेपी के हैं। इन दिनों दलगत आधार पर लाभुकों के चयन की ऐसी शर्मनाक मिसाल देखने को मिलती है। यही मौजूदा दौर की राजनीति की कड़वी हकीकत है। विनोद वर्मा, समाचार प्लस, हरदोई।